Kanzra, kiso je? Kiso je, kiso je, kiso je. जब से कांटेक्ट चार टाइम कृष्णा ने को दिया सर तो देखो यहाँ तुम्हें चाहा तो 10:30 को बूथ क्लोज कर सकते तुम्हारा बूथ था 10:30 को तुम्हें क्या खोल रही 10:30 को तुम्हें कुफुल ला सकती है यहीं से जितने इतने हैं क्या वास्ते हमें आज CMR करना क्या वास्ते कांग्रेस को नहीं करना करेगा हमारे सामने सवाल हमारे सामने सवाल क्या था हमारा जिला में क्या है हकीकत जल है हमारे मोहल्ले में क्या है कांग्रेस का कुछ फेवर करने का है वो चुमितपुर आए इस वक्त वो उम्मीदपुर कांग्रेस कैंडिडेट को से दूसरे गांव से ये गांव में आकर खड़ना करते हो क्या वजह करते हो यहाँ मुसलमान 60,000 वोटा ही इनको पूछन दे ना पूछन दे इनके जान दे ना जान दे इन्हों वोटा हमने डाल दी हमें कोई एक दूसरे वोटा जरा खरीद तो बस जीत जाए जीत सकते हैं का मकसद को उन्होंने आज यहाँ कैंडिडेट हुई सो ये छोड़ कर दूसरा कहते उनके कहते हुए है यहाँ वो आदमी का कहता विकार है कि वो आदमी का कहते कुर्बानी है कि वो आदमी का कहते एक सर्विस है कि नहीं तुम्हें जानते हैं कि नहीं तुम्हारा मोहल्ला जानता है कि ये पीछे हो भी नहीं हमें बुला रही क्या की बात करे तो सुनते भारत की आवाज बड़ी होती है खामोश नहीं तो उनका हमारा ताल्लुका है ना हमारे गाँव वाला ना होना पहचान वाला नहीं हमारे गाँव के तो कुर्बानी है कि नहीं हमारे गाँव के तो सर्विस करिए क्या भी करिए नहीं आज को हमारे गलियां भी मालूम नहीं हमारे आदमी भी मालूम नहीं सही है नहीं सही आज तक तुम्हारे पास आकर है यहाँ इनो पाप कहते बार कितना बीमारी सो तीनों बार ताको तुम्हारा बैरान करे भाई को हमारा साथ दियो भी मंगनी हो आज तक कोई कैंडिडेट आया जब तक हमारा पास तुम्हारे गुड़िया में चल ले तुम्हारे आगे वोट मांग रहा है वो इंसान को देखना कि नहीं कहीं के बैठ लेकर उसका दौलत दिखा लेकर मैं 5 दिन में इलेक्शन जीत दूंगा नहीं अहम को बैठ है कि वो आदमी को हमें साथ देना के तय कर लेना एक दूसरी चीज क्या वास्ते हमें JDS साथ देना आपको आज हमारा इलेक्शन चल रहा है तो JDS को बीजेपी को चल रहा है इलेक्शन खरिया में सब JDS बीजेपी छह कांग्रेस नाम निशान नहीं है जब सिद्धरामैया साहब कुछ यहाँ डाउट है जीतने का तो इन्हें इन्हें कौन मिली इन्हें इन्हें जीत डालता है यहाँ मिसाल बोल रही हूँ सर यही सा ऐसे है इलेक्शन ना JDS को भी बीजेपी को है इलेक्शन किसी हालत में हमारा मकसद क्या बीजेपी नहीं है ये ना हमारा मकसद दूसरा का तो है क्या बीजेपी वाले हैं हमारे जीत किसी हालत में बीजेपी नहीं आना करना हमारा मकसद जब बीजेपी नहीं आना तो हमें क्या करना JDS को साथ देना क्या वास्ते साथ देना कांग्रेस ऐसे तीनों प्लेस में तुम्हें कितना घिंचना है कितना उनको ऊपर चढ़े तो चढ़ते नहीं हो चढ़ते नहीं 21 दिन कौन की शाहरुख खान सलमान खान आपको ऐसा ये हला गया था उसे आया हलाया गया रही बात मुनस्वामी अन्ना कौन है मुनस्वामी अन्ना कौन भी इन्हें जीता है सब बच्चा कौन है कोत्तूर मंजन्ना कोत्तूर मंजन्ना जीता है सब बच्चा मुनस्वामी अन्ना करेक्ट है मुनस्वामी अन्ना जीते के बाद क्या क्या हरकत क्या क्या जुल्म हमारे ऊपर चला रहा है तुम ना मालूम मैं उस फिर भी तुम्हारे सबको सुनाने जाता नहीं मुनस्वामी अन्ना कौनसी पार्टी में मुनस्वामी ने किसे काम करना बीजेपी पार्टी वाले बीजेपी काम करना मुनस्वामी अन्ना बीजेपी पार्टी नहीं काम कर रहा कर रहा है क्या करते कोत्तूर मंजन को कांग्रेस को अब कोत्तूर मंजन के पीछे है कोत्तूर मंजन के पीछे 100 कारण कोत्तूर मंजन के पीछे 100 कारण वो मंजन्ना के पीछे 100 कारण ही ना उसमें लगभग 50 कारण है मुनसा मैना के पूरे मुनसा मैना का अध्ययन कोत्तूर मंजन्ना के कांग्रेस कहा तो अभी हिंदुस्तान के अंदर ये मुल्क के अंदर बीजेपी कांग्रेस एक होगी देखी तुम्हें कोलार में कोलार में हो कोलार में होना है मैं साबित करता हूँ क्या वास्ते कर दो अब उसे पाप मनसा मैना को एक रहम क्या मंजे जीता है इन्हें मैं मुसलमान ऊपर सवारी कर रहा हूँ वो ताकत बढ़िया सीने छे अब इसे छोड़ देना कैसा मैं एक अब इसे छोड़ को दे जाता सुबह फिर भी मंजे साल मेरा इलेक्शन आ रहा है मंजे इन सब मिल को मारती है उल्टा करती है मंजे मैं हारता हूँ कहने का ये मुनसा मैना को डर है सब उसके वजह से उसके मोहब्बत को वो क्या की बोलती ना एक सिक्के के दो चेहरे हैं कांग्रेस में मंजन्ना जीतना मंजन्ना मनसा मैना जीताना इतनी बात है
स्पीकर तो गलती है, तो पूरे बिहार जिम्मेदारत में ही, मस्जिद की जिम्मेदारत में ही, मोहल्ले की जिम्मेदारत में ही, तुम्हें मेरे से अकल वाले, मेरे से बड़े हबे, मेरे से तजुर्बे वाले, क्या तो अभी मेरे इसमें क्या तो लफ्ज गलत है, तो शर्मजदा बुलंदे, समीदा बुलंदे, अकमल भी बुलंदे, तुम्हें बोलो लफ्ज़ में क्या तो गलती है। किसी हालत में हमें कांग्रेस का सवाल हमारे दिमाग में नहीं चलना, जितना बीजेपी को हमें हटाने की कोशिश कर रही, जितना बीजेपी को हमें हटाने की कोशिश कर रही है, तीन शख्सियत में हमारे सामने दो तीन शख्सियत जो है, ये तीन शख्सियत के अंदर एक शख्सियत तो हमारे सामने हमारे ना इसमें नहीं आता, हमारे दिमाग कुछ आता नहीं, ना हमारे सिर में आता, हमारे दिल में आता, कभी हमारे पवन तक भी आता नहीं, वो निशान बीजेपी का आता है क्या? नहीं आता। अब रही बात हमारे यहीं से दो, एक से हमारे एक कोत्तूर मंजना, कोत्तूर मंजना आता एक सिक्के के दूसरे बुलियाना। अब तुम्हें क्या तो मंजना जीता है, तो मुनसा ने ऑटोमेटिक जीतता है, मुनसा में ऑटोमेटिक जीतता है साहब, ये जो जो मुनसा में जीते ही ना, ये टीम पूरा हारना हमारा आदमी है, क्या तो भी जरा तो भी इल्म रहे तो सियासत इल्म रहे तो जो आदमी मुनसा में जीता है वो चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे जेडीएस वाला हो, कौन तो भी रहते जो मुनसा में जीता है ना, वो उनके साथ पूरे भी हराना हमारा मकसद है, चाहे श्रीनिवासपुर में रहते, मुड़बागल में रहते, इसमें कहा चिंतामणि में रहते, बंगारपेट में रहते, केजप में रहते, मानूर में रहते, क्या वास्ते में ये बोले तो हमारा भी जज्बाती रहना, क्या उन्हें बात कर बात आप सुनी ना, क्या जुलूम चला रहा है सुने, क्या क्या कितना दिल हमारा दुखा रहा है सो, पंचा डालने वाले, मुर्गियां काटने वाले, बुट्टे बेचने वाले, मल्या बेचने वाले, क्या वो भी हमें खसाया खसाया काम करती, हमें फलियां बेचने, फैलने बेचती, पंचा डालने वाले डलती, ये हमारा मेहनत हमारा प्रोफेशन हो, उससे हमारा जीना चल रहा है, हमारा पेट चल रहा है सो, हमारे बच्चे हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी ना हमें गलत कर रही है, थोड़ी ना दूसरा कदम काम कर रही है, हमारा मेहनत के ऊपर हमें काम कर ले रही, हमें जी ले रही, तेरा काम क्या, तेरा काम क्या करके तुम हमें बीच में सेंटर बीच में गांव के बीच में तुझे सवाल करे तो तुझे दूर बोलना पड़ता है बाद में, फिर भी हमें वो बात नहीं बोलते, क्या वास्ते कर दो, उन्हें भी एक छोटा कम्युनिटी का आदमी, लेकिन वो भूल को बात कर रहा है सुने, हमें भी वो लोयर क्रीमी लेयर से हमें भी आपको वहीं भूल को हमारे बारे में बात कर रहा है, हमारे दिलांग को ठेस पहुँचा रहा है, किसी हालत में दादा उसका साधन क्या करता, आज तक का चार साल खत्म हो गए, अब कुछ चार साल खत्म हो गए, जीत को मुनसा में ना हमारे जितने भी जो कांग्रेस के भाइयां ही ना अब खड़ी ना पूरे कैंडिडेट इनके वजह से मुनसा में ना जीत को चार साल हुआ, चार साल के अंदर उसका क्या तो भी हासिल क्या करे, अभी क्या उसका तोहफा, क्या उसका कंट्रीब्यूशन कर दो, क्या अभी नहीं, हले तो टावर का नाम लेना, हले तो टावर उन्हें कहां तो भी जानते, कहां तो भी हैदराबाद में जाता है, हैदराबाद तेलंगाना में बात करता है, कोलार का टावर कैसी हो, हैदराबाद तेलंगाना में बात करता है, वह नवाबाही से वहां आ जाना है, गहू नवाबाही से गहू वो गहू में जाकर बात करता है, क्या पंचा डालने वाले, भुट्टे बेचने वाले, घर को अम्मा बाप पालते नहीं, मैं क्या तुम ना भड़का रही हूँ नवे ओरिजिनली बोल रहा हूँ, क्या वास्ते मैं आज कांग्रेस को नहीं डालना, तुम ना रीजन बोल रही हूँ, आती है फिर भी सुबह दिन हमारे से हमें कौले लीडर मजबूत लीडर ही पक्ते लीडर ही गो में आती हमें तुम्हारे पवन के नाना समीदा का ही शाहनवाजदा का ही अकमल का ही हमें छोटे कौले हमें दूसरे लीडर आते हैं उसे शाहनवाज बुलाओ जी उसे समीप बुलाओ जी हाँ भाग को जाती हमें तुम्हारे पास आपको निशान तुम्हारे से गुजारिश करती है क्या वास्ते कर दो उन्होंने बोलती हालत हम बराबर नहीं बोलते सो क्या कांग्रेस क्या वास्ते देना कर दो हालत हम बराबर नहीं भी देख ले कोर्ट चलाओ हालात बना मुल्क में यूपी में ऐसा हो रहा है उड़ीसा में ऐसा हो रहा है कांके ऐसा हो रहा है सही हो रहा है मैं इनकार नहीं करता उनके बात को मैं इनकार नहीं कर रही हूँ यूपी में हमारे ऊपर जुलम चल रहा है सही खासकर हमारे दीनदार भाई के ऊपर जुलम चल रहा है हमारे ऊपर जुलम यूपी उड़ीसा में चल रहा है मालूम हम ना हर एक जगह चल रहा है हमारे ऊपर ये मुल्क के अंदर हमारे ऊपर जुलम चल रहा है फिर भी ध्यान के इसे उसे कंपेयर करने का नहीं है आज बीजेपी बजरंग दल वाले हमने डायरेक्ट गोली मारने वाले कौन है सामने से आको डायरेक्ट गोली मारने वाले इनो वही ना अब आको ही ना ये यजमान आपको पीछे गोली चलाने वाले साथ में है मीर सादिक मालूम ना मीर सादिका को हमें मौका नहीं बना देना चाहे तो उन्हें कौन की सामने से गोली मार रही नहीं उसे जलाफत के वास्ते ये चल रहे मुकाबला करेंगे मान लेंगे उसे इन्होंने डायरेक्ट मुकाबला नहीं हमारा हंकी से हमारा इंग्लिश से हमारा इंकी चुपा रही से
ये सवाल ना करो तुम्हें, मैं जो बोल रही हूँ इसमें क्या तो गलती है, तो तुम यहाँ पूछो, मैं तुम्हारे माफी मांग बाहर चले जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या वास्ते करता हूँ, जो भी बोले सही बोल रही हूँ। अब सुनो ये कितना साल, कितना साल ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 लाख वोट हमें कांग्रेस को दे रही, तुम्हें पूछे बिना, तुम्हें हमारे दिए बिना, हमें क्या बात करने बिना 3 लाख वोट हमें कांग्रेस को दे रही, दे रही नहीं दे रही? एक सीट हमें दे सकते हैं ना कांग्रेस वाले, एक सीट हमें दे सके? कौन सा डीसीसी प्रेसिडेंट पूछे, वो भी दिए नहीं। दो कोलार नहीं, चिकबड़ापुर नहीं, बेंगलुरु रूरल नहीं, कहां भी हमें एक सीट नहीं है। हमें पूरे जगह कर्नाटक के अंदर तुम्हारा समीक्षा आ रहा है टीवी में, क्या 120 सीट से कांग्रेस आ रहा है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें क्या बोल रही बोल, मानेंगे जरा, वो 120 सीट किसके वजह से आ रही? कौन तुम्हारा ताकत, हमें ताकत तुम्हारे, हमारा ताकत से तुम्हें आ रही 180 सीट मुसलमान जिताने वाले, क्या वो खोम तुम्हारा तोहफा, क्या दिन तुम्हें बोलो? आजादी से लेकर आज तक तुमने साथ देख लेगा कोई, तुमने ताकत भरी हमें, आज हमारा खून कहा है दूसरे खोमा से बदतर होगी हमें, हमारा बच्चों का एजुकेशन क्या है, हमारे बच्चों क्या स्कीमा निकाली तुम्हें, सच्चर कमती भाव में लागू कर देंगे बोले, क्या करे तुम्हें 15 साल 20 साल ही तुम्हें 15 साल लगातार तुम्हें इसमें पावर में थे, सच्चर कमेटी थे, 10 साल तुम्हारे गांड के नीचे डाल लिए थे, क्यों तुम्हें लागू करें नहीं? सो ये सवाल करना ही नहीं करना बोलो तुम, मेहरबानी से अब तुमने ज्यादा मैं सीट नहीं खाता, मेरे से तजुर्बे आदमी आए हैं तुम्हें, तुम्हें इसके बारे में चर्चा करो साहब। देखो वोट देने से पहले मुबारक बोलिया, मुनावर बोलिया, रफी बोलिया, औरत बोलिया, छोड़ा लो, अल्लाह तुमने अभी अखल दिया है। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर भी मुसलमान, गरीब भी मुसलमान, सबसे ज्यादा मेहनत भी मुसलमान, सब आराम करने वाला मुसलमान मुसलमान है ही नहीं ये दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर नहीं बोल रहा, दुनिया के अंदर बोल। लेकिन वत्ता हमें पंचान डालने वाले हैं तो भी अल्लाह हमना कलमा पढ़ को हमें कुरान पढ़ देना, उसमें दुनिया तालीम है, सो दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया तालीम है। जब कुरान जानता है आदमी, ये दुनिया का हर एक चीज भी चाहे सरकार है या नहीं, पंचर डालने वाला जब हुआ है, पंचर डालने को हमारे नमाज में, हमारी इबादत में हमना इल्म है, हमारे खुतबा में हमना इल्म देती है, देती नहीं देती, हम अरबी में मदरसे में इल्म देती हैं, दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया तालीम भी हमने सिखा थी, माँ बाप को कैसा बाल पालना, बच्चा को क्या तरीके से पालना, ये सब अल्लाह हमने हमारे बुजुर्ग हमने सिखा थी। अखलाक देखो ही तुमने क्या वास्ते, तुमने अखल है, रेशम खोलने वाला रंधे, बच्चा लगड़ने वाले रंधे, पीटा बनने वाले रंधे, भुट्टे बेचने वाले रंधे, पंचायत डालने वाले, चिकन मारने वाले रंधे, हर एक को भी अल्लाह अखल दिया है। तुम्हें सोचो क्या वास्ते आज कांग्रेस को नहीं देना, ये सब तुम्हें सोच को क्या करना। अल्लाह की वजह से तुम्हारे से गुजारिश, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वाले को, माँ भाना को समझाना, ये आज कांग्रेस के साथ क्या, कांग्रेस हमारे साथ कितना जुल्म कर रहा है, इसमें कई मेरा चीज क्या तो गलती है, तो तुम कौन होना तभी मैं टावर में आता हूँ, स्टेज डालन दे, मुझे सवाल करन दे, मेरा क्या तो गलती है, तो टावर में मैं माफी मांगता हूँ, मैं फिर भी सीएम मशीन के आजू बाजू खड़ता नहीं, उसी दिन बाहर निकल जाता हूँ। नहीं मैं जो चीजा में मैं जो 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 चंद बात तुम्हारे सामने रखा, ये सवाल अंक उनके पास जवाब है तो नहीं, उन्हें मेरा ताकत मैं जिताया मुनसा में बोलिया, बोलिया नहीं बोलिया, बोलिया मेरा ताकत तुझे मैं मुनसा में जिता, तुझे ताकत भरने वाले कौन रे बेखौफ, तुझे ताकत भरने वाले हमें, तुम्हारा ताकत भरने वाले ये आदमी को ताकत भरने वाले हमें, हमारा ताकत से हमारे ऊपर गोली चला रही सब तुम्हें, हमें सब मिला को जैसे यहाँ हमें यहाँ मदरसे जो मोहल्ले वाले जैसे यहाँ बैठ को ही गए बार ये बन जाना, जो यहाँ ही हमारे मुड़बागल नागेशकर को कांग्रेस कैंडिडेट वहाँ बना था, पूरे खरिये में जेडीएस लीड हुआ, जब मुड़बागल के अंदर हमारा मोहल्ले के बूता उठाए तो के बाद बराबर फिर मुनसा में एक इलेक्शन एमपी इलेक्शन आया, एमपी इलेक्शन में मुनसा में ना को पहले, ये देश मोदी है तो देश है, मोदी नहीं तो देश नहीं है, बोले बोले नहीं बोले बोले नहीं बोले बोलो देखो अभी सोचो, मोदी है तो ये देश है, मोदी ये देश नहीं, अरे बाबा ये देश का इतिहास है, ये देश के वारसदार हमें, ये देश की आजादी के वास्ते जितने भी आजादी के वास्ते शहीद हुए हैं 90% हमारा कहीं से, खान गफर खान का फैमिली में की फैमिली में 70 को 7 जने उसके भाया कितने, एक ही खान गफर खान का एक ही फैमिली में एक ही खानदान में 70 को 7 जने गोली गोली में चले गए, एक आदमी का भी
एक आदमी को भी पीछे नहीं गोली लगा था, पूरे सामने लगा था गोली, पूरे गले सामने लगा था गोली। ये खानदान ये खून वाले हमें, इनके लिए बोला लेना हमें टावर में फ्लैग चढ़ा लेना नहीं चढ़ाना। इन्हें आप देखे सारे साल हमें फ्लैग नहीं चढ़ाते थे, सारे साल हमें वहाँ इंडिपेंडेंस नहीं करते थे, सारे साल वहाँ रिपब्लिक डे नहीं करते थे, राजस्व नहीं करते थे। इन्हें आप शो दिखाया, सो शो दिखा को हमने बदनाम कर को क्या कि इन्हें साधन कर सका। दिल्ली में बोल देता सो मेहरबानी से भैया, तुम नहीं बोलना चाहता भक्तों को है कल कैंडिडेट भी जाना, मेहरबानी से तुमने गुजारिश कर दो किसी हालत में हम नल्लूर लास्ट बूता को त्रिमल कोप्पा मालूर बार्डर चिंतामणि बार्डर से मालूर बार्डर तक मैं खड़े जगह तुम्हें को सक तो बोलो। मैं 5 मोबाइल नंबर बोलता हूँ, अदा सज्ञा का नाम हम बोलते पता जानकारी रखी हमें भी, मैं 6वां इलेक्शन चला रहा हूँ मुझे मालूम क्या क्या चल रहा है घर को। खेड़े में बीजेपी जेडीएस छोड़े तो कोसा भी नहीं है, क्या वास्ते कर दो। बीजेपी कैंडिडेट जो है उन्हें भी 15 साल उसका हाँ तालुका था, तजुर्बा है उन्हें अच्छा की बुरा बोला को हमना। 10 साल एमएलए मिनिस्टर था, 5 साल अब हार को गाँव में बैठा है, कहा कि उसका भी कॉन्टैक्ट है नेटवर्क है उन्हें इलेक्शन चला रहा है। 5 साल सीएमआर दिन रात मेहनत करिए, तुम्हारे पास 4वां बार आ रहा है, बार बार गलियां फिर रहा है, बार बार भाइयों को गुजारिश कर रहा है क्या कि कोविड में क्या की उसका क्या सर्विस दे रहा है, दे रहा नहीं कहा कि बारिश हो रहा है सर्विस दे रहा है। तुम्हारे से तुम्हारे गली शहीद नगर कहा है, शहीद नगर में कौन जमात वाले क्या एटलीस्ट एक 4 नामा बोलता है, 4 चेहरे बोलता है या बोल रहा है कि घर को मैं 3 बार नहीं मारूं। सो पहचान है बोल रहे सो, जब ये घर का पहचान नहीं उसे है ये गली का मसला क्या मालूम होता है। सुमान दिन गए तो हमें देखो भाई मैं शाहनवाज कर को मस्जिद का मुतवली, मैं समी कर वैसा लीडर, मैं अकमल कर वैसा, मैं एक्सप्रेस जेट मेरे बोले तो उसके दिमाग में तुम्हें क्या भी बोलने का नहीं है। तुम्हारा सूरत देखते स्मरण बोलता इन शहीद नगर वाले ये गली में ऐसा मसला है, ये ऐसा ऐसा सहायक कर को ऐसा हल करना बोलता नहीं बोलता। इसलिए तुम्हारे से गुजारिश क्या करता हूँ, 3 आदमी भी बाहर खींच, 3 आदमी भी बाहर खींच। ये 3 शख्सियतें भी हमारे सामने हैं, एक शख्सियत हमारे दिमाग में आने का नहीं है। आते से दो शख्सियत, एक का को कांग्रेस, एक का को जेडीएस। कांग्रेस का आपको वो सिक्के का इनावर चेहरा समझ रहा कि ये आपको कौसा, जेडीएस आपको तुम्हारे गाँव का बच्चा, तुम्हारे सामने का बच्चा, तुम्हें इधर गए तो मिलता इधर गए तो मिलता। इन्हें मरिया तो पेटे चमने दफन करते, यहाँ से तुम्हें चल जा सकती, इसके बागा ही सो यहाँ से चल ले जा सकती। मरिया तो यहाँ से दफन करते सो कुतुर मरिया कहाँ दफन करती, कुतुर मरिया तो हमारा हमारा गाँव का आदमी हमारा क्या भी मरने का रखो 100 साल जिंदे हो ना। मिसाल बोल रही हूँ सो उनका मौत मैं नहीं चाह रहा हूँ, अल्लाह उनको 100 साल अच्छा रखें उसे नहीं। मैं बोल रही हूँ क्या वास्ते कर दो, जो गाँव का आदमी है जो हमारा आदमी है हमारे हाथ को जल्दी कौन मिलता है, हमारे मसले कौन हल करता है, कौन हमारे बारे में सोचता है, वो आदमी साथ दे मेहरबानी से।